डियर स्टूडेंट, आज का टॉपिक है कंप्यूटर बेसिक्स, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। डियर स्टूडेंट, कंप्यूटर नेम सुनने में बहुत ही कॉमन लगता है, लेकिन क्या आपको इसके बारे में पता है? तो चलिए हम कंप्यूटर डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। कंप्यूटर, अ कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट इज डिजाइन टू वर्क विथ इंफॉर्मेशन। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, एक डिवाइस है, मीन्स एक ये एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है। अगर मैं इसे हिंदी में कहूँ तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जिसे ऐसा बनाया गया है जो हमारे इंफॉर्मेशन के साथ वर्क कर सके। हम कंप्यूटर को जो भी इंफॉर्मेशन देते हैं वो उसी के अकॉर्डिंग वर्क करता है। एक एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने कंप्यूटर में एक इंस्ट्रक्शन दिया सॉन्ग प्ले करने का, तो जैसे ही आपने इंस्ट्रक्शन दिया कंप्यूटर ने आपके इंस्ट्रक्शन को फॉलो किया। तो इसी से पता चलता है कि कंप्यूटर को ऐसा डिज़ाइन किया गया है कि वो हमारे वर्क के साथ सॉरी हमारे इंफॉर्मेशन के साथ वर्क करता है। अब चलते हैं कंप्यूटर वर्ड कहाँ से आया इसके बारे में। द वर्ड कंप्यूटर डिराइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड कंप्यूट विच मीन्स कैलकुलेशन। कंप्यूटर वर्ड ग्रीक वर्ड से लिया गया है जिसका अर्थ होता है कंप्यूट। कंप्यूट शब्द से मिल करके आपका कंप्यूटर बना है, और कंप्यूटर का पूरा अर्थ क्या होता है? कैलकुलेशन करना, मीन्स गणना करना। फॉर एग्जाम्पल, आपने कैलकुलेटर का नाम सुना होगा। कैलकुलेटर भी क्या करता है? कैलकुलेशन करता है। तो कंप्यूटर का जो सबसे छोटा रूप है वो है कैलकुलेटर। डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम आ रहे हैं फादर ऑफ कंप्यूटर में। चार्ल्स बेबेज इज कॉल्ड फादर ऑफ कंप्यूटर। ओके, कंप्यूटर के फादर चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। एंड आपके दिमाग में ये भी आ रहा होगा कि मदर किसको कहा जाता है, तो आप मुझे कमेंट में करके बताइएगा कि मदर किसे कहते हैं। द फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर डिजाइन बाई चार्ल्स बेबेज वॉज कॉल्ड एनालिटिकल इंजन। चार्ल्स बेबेज ने सबसे पहले एक मैकेनिकल कंप्यूटर बनाया था जिसे एनालिटिकल इंजन के नाम से जाना जाता है। अब देखते हैं कि कंप्यूटर वर्क कैसे करता है। आपको स्क्रीन पे तीन लेटर दिख रहे होंगे अल्फाबेट के, आई पी ओ। इसका मतलब क्या है? कंप्यूटर इज बेस्ड ऑन आई पी ओ थ्योरम। आई का मतलब इनपुट, पी का मतलब प्रोसेस, और पी ओ का मतलब आउटपुट। हमारा कंप्यूटर इसी थ्योरम पे बेस्ड है। एग्जाम्पल से समझते हैं कि हमने कंप्यूटर को इनपुट दिया। इनपुट में मान लीजिए इनपुट में था हमारा एडिशन। एडिशन में हमने इनपुट में दिया टू और प्लस टू। 2 + 2 इज इक्वल टू 4 होता है। तो वो चीज जो मैंने 2 + 2 लिखा वो था इनपुट, और रिजल्ट आने से पहले जो काम हुआ उसे कहते हैं प्रोसेस। देन जब रिजल्ट आया उसे कहते हैं आउटपुट। आई होप आपको समझ में आ रहा हो। डियर स्टूडेंट, ये है हमारा कंप्लीट कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिंगल किसी एक डिवाइस से नहीं बनता, कंप्यूटर इन सभी डिवाइसेस से मिलकर बनता है,
तभी उसे हम कहते हैं कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर के लिए मॉनिटर होना कंपलसरी है, सीपीयू होना कंपलसरी है, कीबोर्ड माउस ये सब कॉमन चीज़ है, डिवाइसेस है, जो कंप्यूटर में नहीं होंगे तो कंप्यूटर वर्क नहीं कर सकता है। स्क्रीन पे देख रहे होंगे मॉनिटर, सीपीयू, कीबोर्ड, माउस, स्पीकर, प्रिंटर, ये सब कंप्यूटर डिवाइसेस है। इसे हम बेसिक पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर भी कहते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा हो स्टूडेंट्स। सो ये था आपका कंप्लीट बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दैट्स ऑल, थैंक यू।